राष्ट्रीय कार्य समिति के तरफ से अपने सब गोटे के जय ओबीसी के अभिवादन टकरावे चाहेंगे। हम सब आई काल खुना 21 गते से लग आई 22 गते तक काल हमरा सबके करीब 4 बजे के समय में हमरा सबके पिछला बार ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कार्य समिति के बैठक शुरू भेल छले जे आई 10 बजे 10:30 बजे तक चलले। वही बैठक से हम सब विभिन्न 6 बुंदे निर्णय सब लेने छी। वही में हमरा सबके प्रदेश अधिवेशन से लग पिछड़ा बार ओबीसी के संगठन विस्तार से लग सरकार वाला सबसे भी कुछ मांग हम सब रखने छे। जै में अपने के मांग छे कि नेपाल के संविधान अनुसार अपने के प्रदेश नंबर 2 के सामाजिक विकास मंत्री जी, सामाजिक विकास मंत्री जी अपने के 2077 पुष 29 गते हम सब जे कार्यविधि ड्राफ्ट बना कर पठेने छले उ ड्राफ्ट सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर जी सामाजिक विकास मंत्रालय से वही कार्यविधि के पास कर 2077 पुष 29 गते प्रदेश नंबर 2 के विकास बोर्ड गठन केने छले जे समिति के नाम छले पिछड़ा वर्ग ओबीसी समुदाय उत्थान विकास समिति। तो उस समिति के विकास बोर्ड समिति तो गठन केलक लेकिन उ कार्यविधि के मंत्री परिषद में ल जाए के तो 2 महीना से बेसी बीत चुकल फिर भी अखन तक उ कार्यविधि के मंत्री परिषद से पास करा कर मंत्री परिषद में अखन तक प्रस्तावों के रूप में पेश नहीं के रहे। तै दुआरे ई सभा हम सब उ कार्यविधि के जल्द से जल्द यथाशीघ्र मंत्री परिषद से प्रदेश 2 के सरकार के मंत्री परिषद से उ कार्यविधि पास कर उ कार्यविधि लागू कर के लागी जोरदार हम सब मांग करने छे। और अ मांग के यदि कोनो प्रकार के व्यवस्था कलक तो हमरा सब के अपन मांग जायज मांग के लागी जे भी कदम चाल पड़ते हम सब ओ के लागी समर्थ के लागी तैयार छे। ओकर बाद हम सब विगत हम सब अपने के हरेक नगर पालिका गांव पालिका सब में जे ओबीसी के प्रत्येक संलग्नता में पिछड़ा वर्ग समुदाय के प्रत्येक संलग्नता में पिछड़ा वर्ग समुदाय से संबंधित कार्यक्रम सब संचालन होबे के चाहिए। हम सब हरेक स्थानीय तह के बारंबार आग्रह केने छे पत्रचार केने छे ओय पत्रचार सब के व्यवस्था केल गए। तो हम सब अपने के 2077 साल 8 महीना 10 गते राष्ट्रीय समावेशी आयोग में बैठक बैठ कर उमे विभिन्न सरोकार वाला सब नगर पालिका संघ गांव पालिका संघ के अध्यक्ष सब छले राष्ट्रीय समावेशी आयोग के अध्यक्ष छले पिछड़ा वर्ग समुदाय उत्थान विकास समिति जे केंद्र में उस समिति सबके विभिन्न सरोकार वाला सबसे हम एगो निष्कर्ष हम सब निकाल ले और वो निष्कर्ष निकाल कर वही मिति में नेपाल के जे 7 53 स्थानीय तह है सभी स्थानीय तह में मिति 2077 8 10 गते 10 गते अपने के संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय सब पत्रचार गेले कि ओबीसी के प्रत्येक संलग्नता क के पिछड़ा वर्ग के लागी आवश्यक बजट के विनियोजन कर के लागी आवश्यक कार्यक्रम सबके व्यवस्था कर के लागी पत्रचार अहाँ के हरेक नगर पालिका गाँव पालिका हरेक स्थानीय तह में चल गए छे। लेकिन केंद्र सरकार से एल्हा भी पत्र सबके स्थानीय सरकार व्यवस्था केने छै ओय अनुसार अपने के व्यवस्था कर के लागी कि मेयर सब स्थानीय सरकार सब कतो ने कतो पिछड़ा वर्ग समुदाय से बेईमानी कर रहल छै। तै दुआरे ई सभा जे केंद्र सरकार से परिपत्र आयल है उ परिपत्र अनुसार के व्यवस्था कर के लागी कि केंद्रीय कार्य समिति जोरदार स्थानीय सरकार से मांग करे छै और यदि
वो मांग के भी पूरा नहीं करते तो हमरा सब जे से ओबीसी के कार्यकर्ता सब हमर सब के अपन मांग के लागी अपन अधिकार के लागी स्थानीय स्तर में भी हम सब अपन संघर्ष के कार्यक्रम करबे करे के लागी हम सब बात हेबे। ओकर बाद हम सब 6 नंबर में हम सब निर्णय लेने छे प्रस्ताव नंबर 6 में कि विगत पत्रकार महोदय सब के सब जगह कुर्सी खाली आल जी विगत लगभग 3-4 महीना से 3-4 महीना से लगातार हम सब प्रदेश सरकार के सीडीओ कार्यालय में जिला प्रशासन मार्फत गृह मंत्रालय मार्फत प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के विभिन्न चरण में हम सब ज्ञापन पत्र ध्यानाकर्षण पत्र बुझा चुकल छे कि अखन के जे वर्तमान समस्या जे 7-8 बरस से लगातार जे समस्या छे हमरा सब के खास कर मधेश में कि जन्म सिद्ध जेकर पिता के जन्म सिद्ध नागरिकता है ओकर संतान के अखुनता नागरिकता पाव से वंचित कर दे जे वंचित कर के अधिकार न तो सरकार के है न तो जिला प्रशासन कार्यालय के है। कोनो भी देश के मूल कानून संविधान होय छे त नेपाल के संविधान 2072 के नेपाल के संविधान 2072 के भाग 2 के धारा 11 के दफा 3 में स्पष्ट रूप से व्यवस्था कयल गेल है स्पष्ट रूप से लिखल है कि ई संविधान प्रारंभ होय से पहले जे भी जन्म के आधार में जन्मदाता जन्म के आधार में जन्म सिद्ध नागरिकता प्राप्त केने है ओकर संतान के वंशज नागरिकता प्रदान कयल जेतै जे नेपाल के संविधान में उल्लेख कयल छै उस संविधान के विपरीत उस संविधान के मीच को केंद्रीय सरकार और जिला प्रशासन उस संविधान में क्या व्यवस्था के भी मीच को संविधान में मिलल व्यवस्था की अधिकार के भी कटौती को कहा के अखुनता 7-8 बरस से नागरिकता देवा के रोक लगे नहीं।